क्यों यहाँ पर, यानी कितने बजे का टाइमिंग एक अपने फिक्स करके रखा हुआ है? यहाँ 10:30 से 4 बजे तक का टाइम है। यहाँ पर जंगली जानवर भी आते हैं, लोगों ने सैल्यूट करना चाहिए। राम सलाम सत श्री अकाल। तो आज हम लोग जहाँ पहुँचे हैं इसका नाम मैं आप लोगों को बताने वाला नहीं हूँ यार। तो जिसको ये लोकेशन पता है वो लोकेशन मुझे कमेंट बॉक्स में भेजना कि ये कौन सी लोकेशन है, और जिसको नहीं पता है वो मुझे कमेंट्स डालें। ये डेफिनेटली मैं बताता हूँ आप लोगों को कि ये लोकेशन कौन सी है, देखने से बहुत अच्छी लोकेशन है। तो देखते हैं आगे। तो आज हम लोग फैमिली के साथ इस जगह पे पहुँचे हैं और हम सब फ्रेंड्स लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं। सबके बच्चे बच्चे सब साथ में आए हुए हैं आज। ये है हमारे मित्र पंकज भैया, पंकज जैन। तो फ्रेंड्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक बहुत बढ़िया बहुत खूबसूरत फॉल है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे पहुँचने में थोड़ा सा टाइम हो गया। तो यहाँ पर एक टाइम फिक्स है कि 5:30 के बाद आप, 5 बजे के बाद आप अंदर नहीं जा। राजेंद्र चन्नी जी, एक्चुअल क्यों यहाँ पर, यानी कितने बजे का टाइमिंग एक अपने फिक्स करके रखा हुआ है? यहाँ 10:30 से 4 बजे तक का टाइम है। तो यहाँ पर 10:30 से 4 बजे का टाइम है जिसमें आप अंदर आ सकते हैं, घूम सकते हैं, बढ़िया इस जगह को, स्पॉट को आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद राजेंद्र चन्नी जी का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जंगली जानवर भी आते हैं, तो इस जगह पे 4 बजे के बाद पब्लिक ने नहीं रहना चाहिए। 4 बजे के बाद यहाँ पर जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पब्लिक को नहीं रहने देते हैं, बाहर कर देते हैं। और यार ये हम लोगों की सेफ्टी के लिए है और हम लोगों ने इनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग इनकी बात नहीं मानते हैं और कल कोई भी अगर हादसा होता है तो उसके लिए जवाबदारी इन लोगों की बन जाती है। तो ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स के लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसे लोगों को हम लोगों ने सैल्यूट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके आगे आप सिनेमैटिक्स को एंजॉय करिए, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना, ज़रूरी है यार मेरे लिए। और आपको जो इस लोकेशन के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट डालिए, मैं उसका आपको रिप्लाई करके ज़रूर बताऊंगा कि ये लोकेशन कहां पर है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लोकेशन पता होगी, और जिसे नहीं पता है वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो बाय गाइस।